हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और अभी क्या है कि बिल्कुल भी आप लोगों से बात करने का वक्त ही नहीं पा रहा है। थोड़ा गला मेरा अभी भी बैठा हुआ है, आवाज़ बहुत भारी आ रही होगी, तो प्लीज़ उसे थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। और क्या है कि अभी टाइम बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है, घर के काम है, फिर बाहर जो मैंने आपको बताया थी कि हाँ बगल में शादी है, तो उनके यहाँ भी किसी न किसी विधि में जाना ही पड़ जा रहा है, फिर घर के काम करो, फिर बाहर उनके यहाँ तुरंत रेडी होके जाओ, तो फिर थोड़ा सा टाइम का इश्यू हो जा रहा है, इसलिए बिल्कुल भी आप उनसे बात नहीं हो पा रही है। तो बस अभी मैं जस्ट नहा के आ रही हूँ, मैंने हेयर वॉश किया है, अभी सूखे भी नहीं है पूरा पानी, वैसे बस वैसे मैंने टॉवल को लपेट लिया है। मैं तो चलो थोड़ा सा पानी भी पीने बैठी थी मैं अभी, तो चलो तब तक थोड़ा सा आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में वक्त मिले ना मिले मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी थोड़ा क्या फिर कोई कुछ हो रहा है कुछ हल्दी को लेके, तो अभी तुरंत आई थी बुलाने, फ़ोन भी आया था, तो अगर वहाँ भी जाना हो गया तो फिर टाइम नहीं मिल पाएगा, फिर शाम को शादी ही है, फिर दिन भर घर के भी जो काम है उसे करना, फिर सारे काम करके फिर जाना होगा। फिर जा रहे वो तो बस पानी में लेके बैठे थोड़ा सा गर्म गले के लिए, मैं चलो पानी पी लेती हूँ, थोड़ा सा फिर से बात भी कर लेती हूँ तब तक। अभी क्यों हल्ला कर रहे हो? तो यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में, और खीर बनाई थी आज मैंने। क्या हुआ था कि कल जो मतलब उनके यहाँ संगीत का फंक्शन था, तो हम लोग गए थे, तो बस वहीं नाश्ता तो हो गया, तो ना मैंने रात में खाना खाया ना अभी ने खाया, सिर्फ प्रीशु ने किया था, तो उनके लिए मुझे खाना बनाना था। तो क्या हुआ था, सब्जी वब्जी सब कुछ बचा रह गया था, तो दूध भी बच्चों ने नहीं लिया, तो बस वही दूध बचा था, तो मैंने कहा चलो खीर बना देते हैं और रोटी से रोटियाँ सेक दूँगी, सब्जी है ये, फिर हो जाएगा खाना। तो बस वही अब यहाँ फटाफट मैं रोटियाँ सेक रही हूँ, उसके बाद दे दूँगी अभी खाने के लिए, क्योंकि उसकी फिर क्लास शुरू हो जाएगी। तभी शाम हो चुकी है और शाम के 4 बजे, 4 से ऊपर ही शायद हो गए हैं। थोड़ी देर में दोपहर में सो गई थी और अभी भी सो गया था, पूरा ऐसे ब्लैंकेट फैला हुआ है, अब सो गया था तो फैलेगा ही। और मैंने सारे कपड़े पर निकाल के रख दिए हैं, जो भी मतलब बच्चों को पहनने हैं, जो मुझे पहनने हैं, वो सब मैंने निकाल दिए हैं। और अभी मुझे ये नल रिमूव करना, कल तो मैंने पता ना कल ही अभी लगाया, आज फिर रिमूव कर, क्योंकि अभी ये ग्रीन कलर तो चलेगा नहीं उसके साथ, कल मैंने हाथ पैर दोनों में लगाया था, तो अभी मैंने इनसे रिमूव कर लेती हूँ, लगा लूँ, क्योंकि उसे सूखने में भी टाइम लगेगा, फिर उसके बाद और जो काम है वो करती हूँ मैं, तो पहले इन्हें कर लूँ। तो जो भी मेरे किचन के काम थे वो मैंने सारे कर लिए हैं, और बस अभी यहाँ आ गई मैं अपने जो नल पेन मैंने लगाया था उसको रिमूव कर लूँ, और जो मुझे दूसरा कलर लगाना है उसे मैं लगा लेती हूँ। हम लोग तैयार होने जा रहे हैं और बेस मेकअप मैंने कर लिया है, बस अब कपड़े चेंज करती हूँ, उसके बाद जो थोड़ा बहुत मेकअप वो करती हूँ। तो कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं, बस थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ मैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो मैं भी कपड़ा चेंज कर लिया हूँ, बस ऊपर से जैकेट पहना हूँ, नीचे बस पैंट चेंज कर लिया हूँ, तो फिर मिलते हैं आप सब से पार्टी में, तब तक के लिए बाय। तो यहाँ मैं आई शेडो लगा रही थी, और मेकअप मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया था, सिर्फ जो बेस मेकअप था वो जो फाउंडेशन से किया था, और उसके बाद सिर्फ आई शेडो आईब्रो पेंसिल थोड़ी सी लगाई थी हल्की सी, क्योंकि ज़्यादा मुझे उतना नहीं, डार्क मुझे नहीं पसंद है, और लिपस्टिक काजल, और मैं आईलाइनर लगाने में भूल गई थी, पर कोई नहीं, फिर भी ठीक ही लग रही थी, आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही थी। और बालों में मैंने सिर्फ क्लचर ही लगा लिया था, और कोई मतलब हेयर स्टाइल नहीं की थी, और खुद से हेयर स्टाइल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है। बस हम लोग हो चुके हैं तैयार, मैं भी हो चुका हूँ तैयार, तुम भी आ जाओ, और भाई भी तैयार हो गया है, ये वीडियो में आओ, इधर आओ, वीडियो में आने से शर्मा रहा है, शर्मा रहा है, और ये भी हो चुका है, हम लोग हो चुके हैं तैयार, हम लोग ठीक है, बस पूरा तो दिखेगा भी नहीं, बताइएगा कैसे लग रही हूँ मैं, हम लोग तो चलिए अब फटाफट 2-4 फोटो हम लोग खींच लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं, ठीक है? तो बताइए मेरी फैमिली कैसी लग रही है, पर एक लोग नहीं है, एक लोग गायब है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ जहाँ शादी हो रही थी, और यहाँ पे मतलब नाश्ता वाश्ता स्टार्ट हो गया था, खाना पीना, तो पहले तो हम लोगों ने थोड़ा सा बैठा,
फ्लोर से बैठ के बातें शातें की हम लोगों ने। उसके बाद फिर हम लोग मतलब कि फिर हम लोग खाना खाने चले, मतलब नाश्ता पानी जो भी करना था हम लोगों को उसके बाद हम लोग वो करने चले गए थे, क्योंकि ये था कि नाश्ता कर लें फिर आराम से बैठ के। मतलब हम लोग का प्लान था कि जो जयमाल होता है जयमाल देख के हम लोग आएंगे। शादी तो मैं नहीं देख पाती क्योंकि फिर उतना लेट तक कौन रुकता बच्चे अकेले। फिर तो बस हम लोगों ने फिर थोड़ा सा नाश्ता किया और जो खाना खाना था वो हमने खाया, फिर उसके बाद जयमाल देख के हम लोग वापस आ गए थे। तो चलिए आप लोग अब देखिए इन्जॉय करिए शादी, क्योंकि मैं बातें करती रह जाऊँगी तो फिर आप लोग इन्जॉय नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप लोग भी करिए। और आगे मैं सिर्फ मतलब वीडियो ही ऐसे दिखा दूँगी, क्योंकि फिर वॉइस ओवर करूँगी तो फिर आप लोग देख नहीं पाओगे मतलब। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब आप लोग भी इन्जॉय करिए मेरे साथ। तुम्हारी शादी तुम्हारी शादी।